हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूँ वेल्स में, जो कि चार कंट्री है, उसमें से एक है यूके का, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स है, नॉर्दर्न आइलैंड है। तो मैं फ़िलहाल वेल्स में हूँ। वेल्स का ये सिटी का नाम है स्नोडोनिया, और यहाँ पे अभी हम लोग हैं गोल्डन सैंड्स हॉलीडे पार्क। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, अभी चेक इन कर रहे हैं। तो ये पूरा ट्रिप, क्योंकि अभी हम लोग का बैंक हॉलीडे है, तो पूरा ट्रिप अभी हम लोग इधर घूमने वाले हैं। बहुत सारा जगह है यहाँ देखने के लिए। अभी जाएंगे हम लोग, ट्रैकिंग करेंगे, बीच है और भी बहुत सारा एक्टिविटी है, तो आपको अपडेटेड रखते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और फॉलो कीजिए ये पूरा सीरीज को, स्नोडोनिया सीरीज वेल्स का, जिसमें बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारा एक्टिविटी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारा वीडियो बनाएंगे यहाँ से, आप लोग को भी देखने को मिलेगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले ये एरिया पूरा यहाँ पे, और रास्ते का जो जर्नी का वीडियो लिए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले आपको यहाँ का ये पूरा दिखाते हैं प्रोसेस। तो सेम है, ये भी देख सकते हैं, उधर इंक्वायरी सेंटर है, ये रिसेप्शन है, ये देख सकते हैं ये रिसेप्शन है, और इधर ये बार है, इसके अंदर बहुत बड़ा पब भी है, और ऐसा ही रहेगा इधर का, जो बहुत सारे पब हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जो स्टे होगा हमारा वो भी इसी तरह का होगा। ये देखिए इधर पूरा उसी टाइप का, लेकिन इधर कलर थोड़ा डिफरेंट है, वाइट वाइट है, जनरली उस साइड सब रेड रेड था। तो ये देखिए पार्किंग दिया हुआ है, बाकी पूरा घर वगैरह दिया हुआ है। तो इसी तरह का हम लोग का भी स्टे होगा एक पूरा, तो वही उडेन है पूरा, देख सकते हैं सेम वे होगा। बाकी जब अपना चेक इन करेंगे, जब अंदर जाएंगे, तो आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, बट जो भी हो बहुत सही है ये जगह। ये देखिए इधर, इधर कितना, इधर भी वो बिग बेन टाइप का इधर भी है, वो लंदन आई टाइप का इधर भी है, तो उधर जाके देखेंगे, अभी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। चलिए अब रास्ता एंजॉय करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली, ऊपर से इतना सनी मौसम, पूरा धूप है, मौसम बहुत अच्छा कर दिया है क्योंकि समर आ गया है, और काफ़ी लेट नाइट मतलब धूप होता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अंधेरा होते होते 11 बज जाता है। तो आप रास्ता देख सकते हैं, ये पूरा बीच है, तो अभी जो हम लोग रास्ते, ये देखिए पूरा बीच है यहाँ पे, तो पूरा रास्ता जो ट्रैवल कर रहे हैं ये बीच के रास्ते से ही जा रहे हैं, पूरा समुद्री एरिया है। तो यहाँ का ये एक बेनिफिट है, जैसे कि कॉर्नवॉल था उसी तरह से ये भी है, यहाँ पे बीचेज भी है, यहाँ पे माउंटेन्स है, देखिए बहुत सारा यहाँ पे लेक्स भी हैं। तो नेचुरली मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो यूके में अगर आप आए हो तो ये वन ऑफ द डेस्टिनेशन होता ही है, अगर आप यूके में रह रहे हो तो लोग मोस्टली इधर आना पसंद करते हैं। ये देखिए इधर मोस्टली क्या होता है ना कि यहाँ पे फ्लैट जगह जल्दी दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट सरफेस भी दिख रहा था। और बाकी ये रास्ता एंजॉय कीजिए, कितना सुंदर है। अभी हम लोग मतलब ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग लगभग आधा घंटा और है यहाँ से जर्नी वेल्स का पूरा, तो हम लोग अभी वेल्स पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो सोचे कि चलो थोड़ा रास्ते का जो दृश्य है, जो सीनरीज है, उसको थोड़ा आप लोग के लिए रिकॉर्ड करते हैं और दिखाते हैं कितना सुंदर है ये, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ख़ास करके ये रास्ता देख सकते हैं आप, पूरा अभी नीचे जा रहा है ये माउंटेन से,
और पूरा चारों तरफ ये माउंटेन का व्यू आप देख रहे हैं। देखिए पूरा ये पूरा माउंटेन हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, और जो सबसे बड़ा पीक माउंटेन है हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। और भी बहुत सारा एक्टिविटी प्लान्ड है, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को ही, आज फ्राइडे है और हम लोग फ्राइडे को ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज होगा, हमारे पास सैटरडे होगा, संडे होगा और मंडे इवनिंग तक रिटर्न करना है। तो ये बेनिफिट है हमारे पास। और आज का नाइट है, नाइट में भी मतलब अभी थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करेंगे ही। पूरा रास्ता ही बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मोस्टली ये स्काई डाइविंग या उसके लिए यूज करते हैं। ये पूरा देख सकते हैं ऊपर उड़ रहा है, दो दो एक साथ। एक तरह से ये लोग इधर बहुत ज़्यादा स्काई डाइविंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको दिखाई देगा। अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम लोग, और ये सरफेस देखिए पूरा फ्लैट सरफेस है, जो कि मेरे लिए काफ़ी रेयर होता है देखना, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लैंडस्केप होता है, तो मतलब जो फील्ड्स वगैरह होते हैं वो ऊपर नीचे होता है स्लोपी टाइप का, बट ये फ्लैट सरफेस मोस्टली कम देखने को मिलता है। तो ये फ़ायदे हैं, ये देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी। तो वेल्स में मोस्टली इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत कम है, ये मोस्टली प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर हो गया या फिर जो इनका जो कैटल्स जानवर वगैरह हो गया, सीप काउज ये सब का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ आपको वेल्स में बहुत ज़्यादा दिखेगा, हर जगह आपको सिप दिखेगा, देख सकते हैं हर जगह सिप कैटल्स ये सब बहुत ज़्यादा दिख जाएगा आपको। और उसके बाद यहाँ टूरिस्ट, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो अभी देख सकते हैं हम लोग अब आ गए हैं अपने रिजॉर्ट, और यहाँ पे पूरा एरिया रिजॉर्ट से भरा हुआ होता है। तो विद इन द रिजॉर्ट एरिया बहुत सारा डिफरेंट रिजॉर्ट होता है, सब पार्क, इसको हॉलीडे पार्क बोलते हैं, और ये हॉलीडे पार्क के अंदर बहुत सारे कंपनी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बुकिंग करो तो उसी का सारा होता है, एक हॉलीडे पार्क के अंदर बहुत सारा वेंडर्स होते हैं जिसमें आप अपना बुकिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए छोटा सा टाउन दिख रहा है बट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह नहीं दिखेंगे, मोस्टली इसी तरह का घर दिखाई देगा। तो ये देख रहे हैं अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, अब अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और यहाँ पे स्पीड लिमिट होता है तो इसलिए गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है, बट जो भी हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जगह। ये देखिए इधर का बस, और बहुत मज़ा आया पूरा जर्नी का तो वीडियो लेके डालना पॉसिबल नहीं है, बट ये देखिए कितना खूबसूरत है ये सारे घर वगैरह। तो इसीलिए जितना हो सका, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए हम लोग अभी रिजॉर्ट के अंदर, ये अंदर का रास्ता है विद इन द रिजॉर्ट, उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं और हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी डिटेल ये है गोल्डन सैंड्स, आप देख सकते हैं। तो बाकी सारा डिटेल आपको मैं बताऊंगा नीचे उतर के, और भी बहुत सारा चीज़ें आपको पता चलेगा। तो ये पूरा वीडियो में जुड़े रहिए, और ये सफ़र कैसा रहा ये बताइए। बहुत ही अच्छा जर्नी था ये, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और पूरा व्यू देखते आए रास्ते का, ये चीज़ काफ़ी सही था। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बाकी डिटेल आपको अभी जब हम वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद आपको डिटेल देते हैं। तो देख सकते हैं यही है हॉलीडे पार्क, और यहीं पे रिसेप्शन वगैरह है, तभी हम लोग यहाँ पे उतर के चेक इन करेंगे।
बाकी आपको पूरा अपडेट देते हैं वहां पे जाने के बाद। तो अभी चल के चेक इन करते हैं। टाइम अभी 8:04 हो रहा है, बट मौसम इतना अच्छा है, समर है। अब पूरा देख रहे हैं धूप है, लग रहा है जैसे अभी दोपहर है। तो मौसम बहुत अच्छा है, 8-9 बजे तक इधर ऐसे ही धूप रहेगा। तो काफ़ी सारा मस्ती करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारा घूमने फिरने वाले हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करेंगे। तो पूरा वीडियो और पूरा सीरीज में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, मतलब चेक इन करते टाइम घर का पूरा दिखाएंगे कैसा है। तो बने रहिए मेरे साथ।